सदस्य रईस सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री बजट 2023-24 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहाँ पर भिवंडी शहर के 11 लाख लोगों की तरफ से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और अच्छी बात यह है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर म्युनिसिपल काउंसिल 1864 पे बना, और आज 2023 में भिवंडी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट प्लान MRTP के तहत बनाया जा रहा है, और डेवलपमेंट प्लान जो बनता है वो किसी भी शहर के लिए, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आने वाले जीवन में जीवन कैसे अच्छा हो, उसके लिए DP प्लान बनाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भिवंडी शहर का इस DP प्लान को जिसको पब्लिश किया गया है उसके लिए बहुत ही विरोध है। और क्यों विरोध है, मैं आपसे यहां पर बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले DP प्लान 2003 में बना, और जब DP प्लान बना तब एक सुनहरा ख्वाब भिवंडी शहर को बताया गया कि आपके यहाँ पे गार्डन्स बनेंगे, आपके कॉलेजेस बनेंगे, आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे। लेकिन आज उस DP प्लान का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 11% हुआ। अध्यक्ष महोदय, वो 11% में भी कोई गार्डन नहीं है। जो सरकारी जमीनें हैं वहां पे कोई जरूरी मुख्यालय बनाना था वो हुआ। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी ईस्ट के अंदर जहां मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, एक गार्डन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि DP प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है MRTP के तहत, वो इतना पुराना सिस्टम हो गया है कि आज DP प्लान जो बन रहा है वो मॉडर्न जिंदगी के लिए नहीं बन रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बताऊंगा कि 2003 में जो DP प्लान बना उसके अंदर जितने भी रिजर्वेशन थे वो डेवलप नहीं हुए, लेकिन 20 साल तक भिवंडी के लोगों की जमीन को रिजर्व रखा गया। और रिजर्व रखने का आज ये हाल हुआ कि वो मालिक उस जमीन को का ध्यान नहीं रख पाया, और आज 50% जमीन को एनक्रोच किया गया है, और आज वहां पे स्लम डेवलप हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि DP प्लान जो MRTP के तहत बन रहा है, एक ADTP को सरकार भेज देती है टाउन प्लानिंग से, वो ADTP की क्वालिफिकेशन देखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य रहा है यहाँ पे सब मुंबई के माजी नगर सेवक है जो अब आमदार है। मैं मुंबई का DP प्लान बनाने के वक्त था अध्यक्ष महोदय, और तब ये हमने सोचा था कि मुंबई के DP प्लान बनाने में जो अर्बन प्लानर्स को हमने रिक्रूट किया था वही लोग छोटे शहरों का DP बनाएंगे। लेकिन आज एक ADTP को भेजते हैं, वो सिर्फ करप्शन करते हैं और DP प्लान में सिर्फ लाइन खींच कर चले जाते हैं, उनको कोई उस शहर से प्यार नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, जो आज DP प्लान बना है, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन दिखा सकता हूं कि DP प्लान बनने के पहले मोबिलिटी प्लान बनाना है, यानी कि आप एक कोने से दूसरे कोने कैसे जाएंगे उसकी साइंटिफिक स्टडी करना इसमें नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ELU बनाया गया, एग्जिस्टिंग लैंड यूज। अध्यक्ष महोदय, उसमें इतनी गलतियां है कि आप सुधार नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जिस तरह से लोगों को साथ में लेना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करना चाहिए था, वहां के आर्किटेक्ट्स, वहां के लोक प्रतिनिधि, किसी को भी साथ नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे भिवंडी शहर, आज हम चाह रहे हैं कि वहां पे हैवी ट्रैफिक नहीं आए, हमारे यहाँ पे हर कोने पे ट्रक टर्मिनल डाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर एक गांव है पोगांव, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भिवंडी को अच्छे से जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, पोगांव करके एक गांव है, उसकी 80 एकड़ जमीन को रिजर्व किया गया। अध्यक्ष महोदय, हर तरह का रिजर्वेशन वहां डाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बताइए वो गांव के लोग कहां जाएंगे? पुरखों से उनकी जमीनों को उन्होंने रखा था कि कभी ना कभी वहां डेवलपमेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पे जो डंपिंग ग्राउंड के लिए बहुत बड़ी जमीन रिजर्व की गई है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां पर खड़े रहकर उस रिजर्वेशन का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कल्याण रोड है, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी जब UD मिनिस्टर थे, कल्याण रोड पे दोनों साइड पे लोगों की दुकानें नहीं टूटना चाहिए, इन्होंने निर्णय लिया, मेट्रो को अंडरग्राउंड किया। लेकिन आज इस DP के अंदर फिर कल्याण रोड को तोड़ने की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से मैं आपको मुद्दे दे सकता हूं जिसका विरोध, DP का विरोध भिवंडी शहर कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कर रही, सबसे पहले विरोध BJP कर रही है। BJP के वहां आमदार है, BJP के खासदार है, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी शिवसेना के वहां पर एक और आमदार है, सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जो ADTP आकर वहां पर DP प्लान बना रहे, उनसे मेरा एक ही सवाल है, 2003 के रिजर्वेशन 2023 में गायब हो जाते, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं।
इतना बड़ा भ्रष्टाचार भिवंडी के अंदर हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मेरा नम्र निवेदन है कि इस डीपी को कैंसिल कीजिए। और अगर आप कॉम्पनसेशन देते हैं अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के अंदर आप अगर कोई गार्डन के लिए जमीन लेते हैं, कोई अस्पताल के लिए जमीन लेते हैं, तो उस जमीन मालिक को आप सिर्फ TDR देते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि उसको मार्केट रेट से कॉम्पनसेट किया जाए, उस पे जो स्ट्रक्चर है, जिसका घर है, दुकान है, झोपड़पट्टी है, उनको भी कॉम्पनसेट किया जाए, जिस तरह से मुंबई में किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय अगर ये डीपी प्लान कैंसिल नहीं होता है तो भिवंडी के लोग जो है रस्ते पे उतरेंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मेरा निवेदन है आपसे, मुख्यमंत्री जी ये डीपी प्लान जो बन रहा है छोटे शहर का, अध्यक्ष महोदय अभी हमारा शहर मॉडर्न शहर बना है, इस पुराने तरीके से डीपी मत बनाइए। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी, बीएमसी के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, बीएमसी का जिन्होंने डीपी प्लान बनाया वो अर्बन प्लानर अभी भी बीएमसी में है, और ये एक विजन था कि हमारी अर्बन प्लानर्स छोटी शहर के डीपी बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी आप बहुत आगे सोचते हैं, MRTP के तहत जो ADTP आके डीपी प्लान बनाते हैं ना सर, वो मॉडर्न सिटी नहीं बना सकते। मुंबई को आपने जो न्याय दिया है वही भिवंडी को दीजिए और सारे महाराष्ट्र को दीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बीएमसी के अंदर अर्बन प्लानर्स इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी आपने पूरे भिवंडी को करीब से देखा है, भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया BNSA ये 2007 में नोटिफाई हुई स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी से। मुख्यमंत्री जी यहां पर एक नया BKC बन सकता है, आप इस प्राधिकरण को एक IS ऑफिसर देके आप इसको BKC की तरह डेवलप कीजिए। मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से सबको न्याय दिया है, मैं आपको हमेशा देखता हूं ऑफिस में, लेकिन ये बात को अगर आप समझेंगे तो 144 स्क्वायर किलोमीटर का एक नया शहर बनेगा। देश में दो ही तरह से डेवलपमेंट होता है, एक डीपी प्लान से और एक सिटको का माध्यम होता है जहां पे आप लैंड एक्विजिशन करते हो। डीपी प्लान 2007 में बना BNSA का, भिवंडी का 2003 में बना, 11% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसके लिए ये पद्धत नहीं चलेगी। आप नया प्राधिकरण बनाइए, सरकारी जमीन जो वहां पर है उस प्राधिकरण को दीजिए, BKC की तरह वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, ये मेरी विनंती है मुख्यमंत्री जी से। एक और बात अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने बात भी मानी है कि मुंबई की जो पाइपलाइन भांडुप से आती है वो भिवंडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, और आपको यकीन मानिए आज आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, अभी कभी वो पाइपलाइन को जाके नजदीक से देखिए, ओपन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज यहां सुनील प्रभु जी बैठे हैं, हमने तब मुंबई महानगर पालिका में निर्णय लिया था कि सारी पाइपलाइन को हम अंडरग्राउंड करके टनल बनाएंगे। सुनील प्रभु जी लिया था कि नहीं, पार्शियली हमने किया भी है, पार्शियली किया है। मुख्यमंत्री जी आपके जवाब में आप कहिए कि भांडुप से जो पाइपलाइन आती है, जो हाईवे को एक्सपोज है, उसका टनल बना के भिवंडी की तरफ से एक एक्सप्रेस रोड बना के उसका हाइट रिस्ट्रिक्शन करके, अध्यक्ष महोदय मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा अगर आप उत्तर में ये कहेंगे और एक टाइमलाइन देंगे, और ये जरूर कहिएगा कि प्रस्ताव मेरा था, और सुनील प्रभु जी जब महापौर थे तब नहीं, टनल उन्होंने कहा था, यह प्रस्ताव मेरा है। अध्यक्ष महोदय जी यह काम अगर होता है तो पूरा जो ट्रैफिक आज आ रहा है नासिक मुंबई रोड पे, इसका नेचुरल बाइफरकेशन होगा, हैवी ट्रैफिक एक तरफ से जाएगा और इस रोड से एक ट्रैफिक जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ये करेंगे। मुख्यमंत्री जी भिवंडी शहर और तहसील ये पूरे तालुका की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इन मुद्दे के ऊपर आप मीटिंग लगाइए, मुझे उम्मीद है कि भिवंडी के लिए कुछ अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय एक और मेरा निवेदन है, आज मेडिकल एजुकेशन और ड्रग्स पे बात चल रही है, भिवंडी तालुका में 3 आमदार है, मैं 4 साल से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय वहां पर हेल्थ की कंडीशन बहुत खराब है। एक निर्णय मुख्यमंत्री साहब ने लिया था कोविड के पीरियड में कि आप एक फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पे कोविड हॉस्पिटल था, वो निर्णय भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं कि भिवंडी शहर में सबसे ज्यादा यूनानी के डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स है, वहां पे यूनानी की कॉलेज खोली जाए। अध्यक्ष महोदय ये मेरा निवेदन है। दूसरे कई सुझाव मेडिकल एजुकेशन के है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को बोलना है,
आपने इतना विस्तारित मुझे यूडी पे बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि कल उत्तर में इन बातों को आप कहे, और मैं चाहूंगा कि कल भिवंडी के डीपी प्लान के विषय में मुख्यमंत्री जी सविस्तर हमको बताए कि उसके अंदर जो टूटी है, क्या आप ये डीपी प्लान को कैंसिल करेंगे क्या। धन्यवाद।